की बुक ओलंपियाड मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस के आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं बच्चों। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 में है आपके पास x ratio y is equal to 2 ratio 3 एंड 2 ratio x is equal to 1 ratio 2। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो बच्चों मैं लिख सकती हूँ 2 by x is equal to 1 by 2, और इसे अपन कैसे लिख सकते हैं x/y is equal to 2/3। यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लें तो वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस x की वैल्यू 4 को अपन यहाँ पुट करेंगे, 4/y is equal to 2/3। अगर y की वैल्यू मैं निकालना चाहूँ तो ये 3 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और y इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ से अगर अपन y की वैल्यू निकालना चाहें तो वो कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है। यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, x एंड y वेरी इनवर्सली। देखो बच्चों, यहाँ पर उसने हमारे पास इस तरीके से थोड़ा सा ना ये इन स्टेटमेंट्स को देने का ढंग जो है ना, आप लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जब आप इसको नॉर्मल बुक्स में से जो भी आपको 8th क्लास की बुक्स लगी हैं उसमें से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके पास ये x1, y1, x2, y2 इस तरीके में दिया गया होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा ना दे करके उसने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को दिया। उसने बोला है कि यहाँ पर जो x और y है ना, ये इन्वर्सली वेरी करते हैं, ठीक है जी। तो अब हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ये जो xy है इसको मैं मान लेती हूँ x1 12 और y1 10, और इधर से मैं मान लेती हूँ इस x को मैं मान लेती हूँ x2 20, और y2 मुझे यहाँ पर निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हुए होएंगे अपन, और इसको अपन अपने हिसाब से जैसे कि आप 8th की क्लास में करते हो नॉर्मली बुक से, वैसे ही क्वेश्चन को करेंगे। अब उसने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्स एंड वाई वेरी इन्वर्सली। अब वेरी इन्वर्सली का मतलब क्या है कि ये जो एक्स वन और वाई वन जो है यहाँ पर, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू होगी एक्स टू वाई टू के, क्लियर है। अगर ये डायरेक्टली लिखा होता तो डायरेक्टली मेरे पास आना था x1/y2 is equal to x2/y2, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है वेरी इन्वर्सली, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिलहाल के लिए आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से ध्यान में रखना है कि वेरी इन्वर्सली में हम लोग कैसे करते हैं, 100% ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, इसको मैंने x1 माना था, y1 माना था, x2 माना था, और y2 की वैल्यू निकालनी है। ये आएगा 12 × 10, और x2 कितना है आपके पास बच्चों, 20, और y2 निकालना है तो y2 निकाल लेते हैं, 12 × 10/20, ये आ जाएगा 6। तो y2 की वैल्यू बच्चों मेरे पास आ गई 6। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। ना क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। उसने कहा है वाई वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वेयर। अब जहाँ जहाँ पर भी आपको एक्स दिखेगा ना, उसको आपने एक्स की वैल्यू से एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर उसने बोला है वाई वेरीज डायरेक्टली, ठीक है जी, यानी कि y/x² y1/x² डायरेक्टली किसके है, एक्स स्क्वेयर के डायरेक्टली है, वेरी इन्वर्सली नहीं है। इन्वर्सली होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ डायरेक्टली है तो डिवाइड करेंगे, ये ध्यान में रखनी है बच्चों आपकी बात। और वाई वेरी कर रहा है तो वाई से स्टार्ट करेंगे, और इधर क्या आएगा y2/x² स्क्वेयर। अब ये चीज़ तो बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, मैंने आपको पहले भी कहा है, अब देखो ध्यान से। अब इसको मैं इरेज करके यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए इसे x1, इसे y1, इसे x2, इसे y2 लिख देती हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसा कि हमारी बुक्स में है नॉर्मल, ठीक है जी। अब पहले देखिए, वैसे सिंपल वैल्यू पुट करनी है, y1 3 है, x1 2 है, 2 स्क्वायर है, y2 मुझे निकालना है तो x2 माय डियर स्टूडेंट्स 6 स्क्वायर है। अब करिए 3 × 6 × 6 ही ऊपर चला जाएगा ना, 2 × 2 is equal to y square, ये गया 3 और ये गया 3, तो y2 की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट्स आ गई बच्चों आपके पास 27। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास सिंपल उसने बोला है, बस उसने कुछ नहीं बोला है, यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है, तो हम यहाँ पर अपनी मर्जी पर चलाएंगे भैया। 1/5 ratio 1/x is equal to 1/x ratio 1/125, और हमें
वैल्यू निकालनी है किसकी, वैल्यू निकालनी है मुझे एक्स की। तो बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या लिख करेंगे। देखो 1/5 / 1/x, सबसे पहला क्वेश्चन सेम वही है था, 1/x / 1/125। अब क्या करेंगे, इधर ये आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, 1/5 × 1/125 = 1/x × 1/x। देखो बच्चों मैं इन क्वेश्चंस को करवाते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करूँगी कि आपको फार्मूला से और बिल्कुल लॉजिकली तरीके से इन क्वेश्चंस को करवाया जाए, और फार्मूलाज ये जो हमें रटने वाली चीज़ें हैं ना वो कम से कम यूज़ करनी पड़े। अब ये चीज़ मैं आपको डायरेक्टली भी कह सकती थी कि इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो वो थोड़ी सी क्रैमिंग हो जाएगी। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है और ये चीज़ जो है ना आपके दिमाग में लॉन्ग टर्म तक रहेगी, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। अब देखो ये आ जाएगा 1/625 = 1/x² और 1/ और ये क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ स्क्वायर गया तो एक्स यहाँ पर मेरे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, क्या कहता है, कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक्स और वाई यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन में है, एक्स और वाई इनवर्स प्रोपोर्शन में, चलो पहले इसको x1 y1, तो उसने कहा कि विच ऑफ़ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई, तो आप ये कह सकते हो कि x2 और y2 के लिए कौन सी वैल्यू बनेंगी। यानी कि देखो अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन में है तो मैंने आपको बताया है x1 × y2 = x2 × y2 होता है, इनवर्स में मल्टीप्लाई होता है, तो ये आ जाएगा 12 × 3, अब ये 36 आएगा, तो अब किन किन की मल्टीप्लिकेशन 36 है देख लो भैया, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन ये 30 है तो ये नहीं आएगा, है ना जी। तो ये आप क्वेश्चन बहुत इजी आप कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, कह रहा है कि अगर ए रेशो बी मेरे पास है 2/3, बी रेशो सी मेरे पास है 4/5, तो मुझे निकालना क्या है, निकालना है मुझे सी रेशो ए। तो बच्चों यहाँ पर अगर मेरे को सी रेशो ए यानी कि ए और सी को मुझे रखना है, मतलब बी के टर्म्स में मुझे वैल्यू निकालनी है, बस सीधी सी बात है। अब ये देखो यहाँ पर अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो बी इधर जाएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा, 3a/2 = b आ जाएगा। अब यहाँ पर मुझे सी की, यहाँ पर भी मुझे यहाँ पर देख लीजिए बी की वैल्यू अपन डाल देते हैं क्योंकि मुझे सी और ए की टर्म में वैल्यू चाहिए, तो ये आ जाएगा मेरे पास 3a/2 / c = 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास 3a/2 c = 4/5। अब ए और सी को केवल यहाँ रहने देते हैं और बाकी की जो टर्म्स है ना ये 3/2 मल्टीप्लाई में है ना, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवीज़न में हो जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। आंसर आ रहा है भैया इसका 8/15, ये आ रहा है मेरा a/c, मुझे तो चाहिए सी रेशो ए, क्या चाहिए सी रेशो ए चाहिए, क्या आ जाएगा 15 / 8। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, कहीं जल्दबाजी में 8/15 मत कर देना, आंसर आ रहा है 15/8, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन को आपने बहुत ध्यान से देख लिया होगा क्योंकि चलिए देखते हैं अगर इरेज करने की ज़रूरत पड़ी तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज़ देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या कहा गया है। x = 2 7 11 ये है और y ये है, तो हमें ये बताना है कि x और y किस तरह की प्रोपोर्शन में है, तो करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, 2/8 है, 2/8 करते हैं। अगला कौन सा है, 7/28 है। अगला कौन सा है, 11/44 है, तो ये बिल्कुल 1/4 1/4, यानी कि अगर मैं यहाँ पर डिवीज़न ले रही हूँ ना बच्चों तो मेरे पास रेशियोज़ जो है ना वो सेम बन रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो नहीं बात बनेगी, यानी कि 7 × 8 = 16 करेंगे,
और 7 × 28 कुछ और होता है, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन बन रहा है, तो क्यों पंगा लेना बच्चों, सीधा सा आंसर इसका आ रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास क्या कहा गया है कि इफ़ टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, अगर वो डायरेक्टली वेरी करती है, डायरेक्टली वेरी करती है, तो ऑब्वियसली बात है एक्स बाई वाई जो है ना वो कॉन्स्टेंट होगा। क्या होगा? हाँ, ये भी देख लीजिएगा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, इम्पॉर्टेंट है ये, कि अगर एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली, और एक वर्ड होता है एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली, ठीक है जी, डायरेक्टली में एक्स बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है और इनवर्सली में एक्स वाई जो है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी बच्चों। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, 56 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। देखो ये मैं चाहूँ तो क्वेश्चन आपको टेबल बना के करवा सकती हूँ, लेकिन अपन टेबल बना के नहीं करेंगे, वो तो आप लोगों को आता होगा। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने लॉजिकली माइंड के साथ, ताकि ये क्वेश्चन आपके माइंड से कभी भी ना स्किप हो। देखो बच्चों, उसने कहा है कि 56 मैन जो है ना वो किसी काम को, 56 मैन डू अ वर्क, सॉरी या फिर उल्टा चलना पड़ेगा। क्यों उल्टा चलना पड़ेगा? क्योंकि डेज और डेज, डेज डेज दिए रखे हैं, मैन निकालने हैं तो डेज से स्टार्ट करेंगे। इन 42 डेज मैन रिक्वायर्ड, मैन रिक्वायर्ड कितने, 56 बंदे चाहिए भैया, तो एक दिन में। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर यही काम एक दिन में करवाना हो, तो ऑब्वियसली बात है व्यक्ति ज़्यादा चाहिए होंगे, मल्टीप्लाई होगा एक दिन में। देखो 42 डेज का काम अगर मुझे एक दिन में चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है ना स्टूडेंट्स, उसमें मुझे व्यक्ति ज़्यादा चाहिए होंगे, उसमें मुझे 56 मल्टीप्लाई बाय 42 व्यक्ति चाहिए होंगे, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब देखो अगर मैं यही काम अब 14 डेज में करवाना चाहूँ, अगर यही काम 14 डेज में करवाना चाहूँ, तो ऑब्वियसली बात है अब काम बट जाएगा, क्योंकि डेज ज़्यादा मिल रहे हैं तो काम बट जाएगा, तो 14 से डिवाइड हो जाएगा, क्लियर है? तो ये कट जाएगा, 14 × 4 = 8, और ये आ जाएगा आपके पास 8, और 168 विल बी द आंसर। अब ध्यान में रखना है इस चीज़ को आपको, ठीक है जी, प्रैक्टिस से हो जाएंगे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एजेंट रिसीव्स अ कमीशन ऑफ ₹73 ऑन सेल्स ऑफ ₹1000। ध्यान देना, उसने कहा है कि एक एजेंट ने कमीशन, एक एजेंट ने रिसीव किए कमीशन ₹73 ऑन द सेल्स ऑफ ₹100, और अगर सॉरी ₹1000, और अगर वो 100 रुपीज़ की सेल करता है तो उसे कितनी कमीशन मिलेगी। चलिए अब रुपीज़ से स्टार्ट करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ऑन सेल्स ऑफ ₹1000 कमीशन विल बी ₹73। तो ₹1 की सेल पर उसे पैसे ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे? ₹1000 की सेल पर उसे मिले ₹73, तो ₹1 की सेल पर ऑब्वियस है उसे कम पैसे मिलेंगे, तो चीज़ में डिवीज़न होती है, कोई भी चीज़ घट रही है, डिवाइड हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ₹1000 की सेल पर, अब ये तो रहा, एक से आपको 1000 में आना है, तो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ₹1000 की सेल पर उसे ज़्यादा ही पैसे मिलेंगे ना, एक रुपये की सेल के कंपैरिजन में, इनटू क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा ₹7.3, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना।